ये देखिए चाउमीन है, ये 5 पीस चाउमीन है और ये चाउमीन मसाला है। अब देखिए 1 लीटर पानी हम रखे हैं यहाँ पे। अब हम आपको चाउमीन की रेसिपी बना के दिखाते हैं। चाउमीन को हमने खोल लिया है और सारा उबलते हुए पानी में चाउमीन को हमको डाल देना है। देखिए ऐसे सारा पाउच निकाल के इसमें उबलते हुए पानी में डाल देना है। दोस्तों इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिए। और देखिए हम यहाँ पे प्याज टमाटर और हरी मिर्च और अदरक सारी चीज़ें काट लिए हैं। ये देखिए चाउमीन को उबले हुए चाउमीन पर पानी को छान देते हैं और इसको रखते हैं। अब इसे कढ़ाई में रखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, इसे कढ़ाई में मैंने गर्म कढ़ाई में डाल दिया। और फिर उसके बाद ये हमारा जीरा है, हमने इसको डाला। फिर उसके बाद हरी मिर्च अदरक और प्याज। ये देखिए हम सारी चीज़ों को भून दे रहे हैं हल्के धीमे आंच पे। हल्दी डाल रहे हैं इसमें और इसके बाद ये टमाटर है हमने काट के रखा हुआ था। और उसके बाद ये स्वाद अनुसार नमक डालना है। ये चाउमीन मसाला जो है इसको हम डाल देते हैं ऐसे, ये मसाले के संगे भुना जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे पकने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा पानी हम डालिए और इसको हम ढक देंगे ताकि ये पक जाए। ये देखिए हमारा मसाला पक गया है और इसमें हम उबला हुआ जो चाउमीन रखे थे पानी छानने के बाद इसको डाल देते हैं। डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर उसके बाद इसको हम आपको हाँ ऐसे मिलाना है, इसको मिला के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है धीमी आंच पे। अब देखिए ये मेरा चाउमीन का रेसिपी ढक के रख। अब देखिए 10 मिनट ढकने के बाद हमारा चाउमीन एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट में ये भी लाइक करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा।